परासिया में कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल वाल्मीकि का नामांकन भरवाने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। इस अवसर पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह को घोषणा मशीन बताया। कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल वाल्मीकि ने परासिया से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को घोषणा की मशीन बताया और कहा, मुझे छिंदवाड़ा जिले की महिलाओं समेत युवाओं की चिंता है। हमने किसान का कर्जा माफ किया है, 1,000 गौशाला बनवाई। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को चौपट कर दिया। जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ सभा, पहली मीटिंग 79 के चुनाव में, 7वीं लोकसभा के चुनाव में, इसकी शुरुआत मैंने परासिया क्षेत्र से करी है। तो ये वो सब खदानें बंद हो रही थी। मैं उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। नामांकन पत्र भरा है, 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके संबंध में, और मैं बहुत बहुत खुशहाल हूँ और बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे फॉर्म के नामांकन के समय माननीय कमलनाथ जी मेरे फॉर्म भरते समय उपस्थित किए और जनसभा को उन्हें संबोधित किया है। और मैं परासिया क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 3 चुनाव में लगातार उन्होंने मुझे साथ दिया है और चौथा चुनाव भी मेरे साथ देने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की प्रगति, उन्नति, विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।